नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 16 से 21 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF द्वारा जारी टॉप 40 संस्थानों में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने कौन से स्थान प्राप्त किया है? 39वें स्थान प्राप्त किया है। देश की पहली लिथियम खदान छत्तीसगढ़ के किस जिले में शुरू होगी? कोरबा जिले में शुरू होगी और कोरबा जिले के कटघोरा में शुरू होगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कहां नव निर्मित अत्याधुनिक ऑडिटोरियम दंडकारण्य का शुभारंभ किया गया? रायपुर में किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्री RS विश्वकर्मा को नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में दस्तक अभियान शुरू किया गया है? बलौदाबाजार जिले में दस्तक अभियान शुरू किया गया है। हाल ही में भारत का कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया है? TB सोमनाथ को भारत का कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं? USA ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं और भारत का स्थान कितना है? 71वां है। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन था कि PM सूर्य घर योजना के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कितने रुपए तक अनुदान दिया जाएगा? तो 15,000 से 45,000 रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में वीडियो नहीं आई थी क्योंकि मेरे घर में कुछ फंक्शंस थे जिसमें मैं थोड़ा बिजी हो गया था, जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाई थी। तो हम पिछले जितने भी दिनों के करंट अफेयर्स छूटे हुए हैं उसको आज हम कवर कर रहे हैं, तो माफी चाहता हूँ कि वीडियो सही समय पर नहीं आ पाई है। चलिए, आगे ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के 12 जिला पंचायतों का पुनर्गठन कर कितने नए जिला पंचायत बनाए गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 6 नए जिला पंचायत बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ की 12 जिला पंचायतों का पुनर्गठन कर दिया गया है, इसके साथ ही 6 नई जिला पंचायतें बन गई हैं। राज्य शासन के पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अगले साल फरवरी मार्च 2025 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव के साथ इन नई जिला पंचायतों में भी चुनाव कराए जाएंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किसे 24वें वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन है, डॉक्टर विश्वेश ठाकरे को सम्मानित किया गया है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के मुख्य आतिथ्य में लोक जागरण के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला छत्तीसगढ़ का प्रतिष्ठित वसुंधरा सम्मान पत्रकार / लेखक डॉक्टर विश्वेश ठाकरे को प्रदान किया गया है। यह 24वां वसुंधरा सम्मान है। वसुंधरा सम्मान समारोह महात्मा गांधी कला मंदिर भिलाई में आयोजित किया गया। इसका आयोजन स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे की पुण्य स्मृति में साहित्यिक पत्रिका बहुमत द्वारा संस्कृति विभाग के सहयोग से किया गया। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो वसुंधरा सम्मान है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है वसुंधरा सम्मान दिया जाता है, जिसमें अभी वर्तमान में डॉक्टर विश्वेश ठाकरे को यह सम्मान दिया गया जो 24वां वसुंधरा सम्मान था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में किन्हें न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में जस्टिस AK प्रसाद और जस्टिस BD गुरु को अभी हाल ही में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसके डिटेल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं डिटेल में। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, ये थोड़ा गलत हो गया है। इन 2 नए न्यायाधीशों में AK प्रसाद और BD गुरु शामिल हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 17 हो गई है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, आपसे यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के पश्चात छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 17 हो गई है। तो अभी नए 2 न्यायाधीश कौन है? AK प्रसाद और BD गुरु। अब इनको शपथ किसने दिलाई है? छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई है। अब छत्तीसगढ़ उच्च हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कौन है ये आप मुझे हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ये आपके लिए आज का प्रश्न है कि
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है, जिन्होंने ए के प्रसाद और बी डी गुरु को शपथ दिलाई है। अब बताइए, जो जिसका आंसर सही होगा उनके आंसर को मैं हार्ट हार्ट दे दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगी कौन सा आंसर सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किसे महतारी वंदन योजना खुशियों का नोटिफिकेशन कहानी संग्रह का विमोचन किया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री विष्णुदेव साय ने विमोचन किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्वाधीनता दिवस मतलब 15 अगस्त के मौके पर खुशियों का नोटिफिकेशन पुस्तिका का विमोचन किया है। इस पुस्तिका की खासियत यह है कि पुस्तिका में सच्ची कहानियों का प्रस्तुतिकरण रचनात्मकता के साथ रोचक अंदाज में किया गया है। इसे छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग ने तैयार किया है। खुशियों का नोटिफिकेशन में संग्रहित कहानियां महिलाओं को मिले आर्थिक लाभ के साथ साथ सशक्तिकरण के प्रभाव को भी उजागर करती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने बस्तर में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने द बस्तर मड़ई का लोगो और थीम म्यूजिक का विमोचन किया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्री विजय शर्मा ने किया है। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने बस्तर में पर्यटन क्षेत्र बढ़ावा देने के लिए द बस्तर मड़ई का लोगो, बस्तर टूरिस्ट सर्किट मैप और थीम म्यूजिक का विमोचन किया है। द बस्तर मड़ई में नीला रंग में बस्तर की जल से संबंधित पर्यटन स्थल, हरा रंग जंगल से संबंधित स्थल, भूरा रंग गुफा और पुरातत्व स्थल, पीला रंग आदिवासी संस्कृति, बस्तर की हाट बाजार और लाल रंग बस्तर दशहरा को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो सभी अलग अलग जगह को अलग अलग रंगों से यहाँ प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किसने मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन सुगम का लोकार्पण किया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, श्री ओपी चौधरी जी ने लोकार्पण किया है। वाणिज्यिक कर एवं वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन सुगम का लोकार्पण किया है। इस एप्लीकेशन में कोई भी व्यक्ति अपनी रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के संपत्ति स्थल पर जाकर स्थल का तीनों साइड से फोटो तथा अक्षांश एवं देशांतर भौगोलिक स्थिति को रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित कर सकेगा। इससे संपत्ति संबंधित धोखाधड़ी एवं कर चोरी को रोकने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीजी साथी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्याम बिहारी जायसवाल ने किया है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सीजी साथी नामक पुस्तिका का विमोचन किया है। अब सीजी साथी का फुल नाम क्या है? छत्तीसगढ़ स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर इनिशिएटिव। ठीक है, यह पुस्तिका छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं एवं संकेतकों को बेहतर करने के साथ योजनाओं और परियोजनाओं के बेहतर संचालन हेतु सहयोगी संगठनों के तकनीकी सहयोग को दिशा में देने में मदद करेगा। यह छत्तीसगढ़ राज्य में अपनी तरह का पहला अभिनव पहल है। अगला प्रश्न है, IIFT कोलकाता के निर्यात सुविधा केंद्र और EDII अहमदाबाद के प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना निम्न में से किस राज्य में की जाएगी? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ में की जाएगी। हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संघ संस्थान कोलकाता IIFT के निर्यात सुविधा केंद्र और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान EDII अहमदाबाद के प्रशिक्षण केंद्र की छत्तीसगढ़ में स्थापना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के सुविधा केंद्र के छत्तीसगढ़ में स्थापित होने से छत्तीसगढ़ से निर्यात करने वाले व्यवसायियों को मार्गदर्शन मिल सकेगा और राज्य से निर्यात गतिविधियां बढ़ेंगी। प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के इन दो केंद्रों की स्थापना से छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कितने पुलिस अधिकारियों और जवानों को उत्कृष्ट सेवक के लिए पुलिस पदकों से सम्मानित किया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 46 लोगों को सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 46 पुलिस अधिकारियों और जवानों का उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदकों से सम्मानित किया। पुलिस वीरता पदक से 26, राष्ट्रपति पुलिस पदक से 2, सराहनीय सेवा सुधार पदक से 2 और राज्य स्तरीय एवं पुलिस महानिदेशक पदकों से 5 अधिकारी एवं कर्मचारियों को अलंकृत किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजी अस्को में तिरंगा फहराया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राहुल गुप्ता ने तिरंगा लहराया है। 15 अगस्त
को स्वतंत्र दिवस के दिन छत्तीसगढ़ राज्य के माउंट बैन राहुल गुप्ता ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजिस्को में तिरंगा लहराया है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजिस्को की ऊंचाई जो है 7,310 फीट है। इस मिशन में देश भर से 11 पर्वतारोही शामिल थे, जिसमें छत्तीसगढ़ से राहुल गुप्ता अकेले थे। राहुल गुप्ता राज्य के पहले पर्वतारोही हैं जिन्हें अल्पलाइन टेक्निक क्लाइंबिंग के साथ विंटर एक्सपीडिशन में एक्सपर्ट हैं। दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है कि पीएम ई बस सेवा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लिए कुल कितने ई बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों उत्तर गलत हुए सही, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।